नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। सीएम योगी के राज में माफिया अपराधियों की खैर नहीं है। कभी अवैध मकानों पर योगी सरकार का बुलडोजर गरजता है तो कभी किसी अपराधी का राम नाम सत्य हो जाता है। प्रदेश में 786 नंबर की गाड़ियों को लेकर चलने वाले भी अब प्रदेश में आने से डरते हैं। अपराधियों में प्रशासन का खौफ जमाने के बाद अब सीएम योगी की नजर में वो लोग हैं जो वर्दी तो खाकी पहनते हैं लेकिन काम अपराधियों वाला ही करते हैं और खाकी वर्दी को सभी के सामने बदनाम करते हैं। लेकिन अब यूपी में ऐसे भ्रष्ट अपराधियों की खैर नहीं है, क्योंकि खाकी वर्दी पहने कोई बड़ा अफसर हो या फिर कोई सिपाही, अगर सीएम योगी के पास रिश्वतखोरी की शिकायत पहुंची तो उस पर एक्शन होना तय है। बता दें कि खाकी वर्दी में रिश्वत लेने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक सिपाही खाकी वर्दी में ट्रैक्टर चालक से उसके वाहन को छोड़ने के लिए 200 रुपये का रिश्वत मांग रहा है। इस वीडियो में पहले ट्रैक्टर चालक 100 रुपये देने की बात कहता है, जिस पर सिपाही कहता है कि 200 देने हैं तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। इस पर मजबूरन ट्रैक्टर चालक को 200 रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे चुपके से पैसे लेने के बाद सिपाही दोनों तरफ देखता है और ये सुनिश्चित करता है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन उसे कहां पता था कि जिनसे वो रिश्वत ले रहा है उन्हीं में से एक उसके काले कारनामों की वीडियो बना रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस हरकत में आ गई और इस सिपाही की पहचान कर रिश्वत लेने के जुर्म में सिर्फ इसे ही नहीं बल्कि चौकी इंचार्ज के साथ पूरी पुलिस चौकी के स्टाफ को भी निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि ये वीडियो नोएडा में ओखला वैराज चौकी क्षेत्र का है, जहां से भारी संख्या में रोजाना कमर्शियल वाहन गुजरते हैं, जिसका फायदा उठाकर इस चौकी के पुलिस वाले अवैध वसूली कर अपना जेब भरते हैं। लेकिन इन पुलिस वालों की काली करतूत जब सबके सामने आई तो पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने चौकी इंचार्ज ओखला के साथ वहां तैनात सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। इससे पता चलता है कि किस हद तक यूपी में योगी सरकार के राज में प्रशासन टाइट है। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।